हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने तीन पार्ट में बनाया है। फर्स्ट है हमारा लाइन ड्राइंग, सेकंड है बेस ड्राइंग एंड थर्ड है डिटेल ड्राइंग। इस वीडियो में मैंने किसी भी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ब्लेंडिंग टूल के इस्तेमाल करने से चांसेस होता है कि आपका पेपर फट जाए। और एकेडमिकली भी ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल पेंसिल से कंट्रोल करते हैं अपने ड्राइंग के ग्रेन्स को। सो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई ड्राइंग करते हैं फ्यूचर में, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ब्लेंडिंग टूल यूज़ करने का एक नुकसान ये भी है कि इससे आपके उन प्रोडक्ट्स पे आप उन पे डिपेंड हो जाते हैं। इससे आपको पेंसिल के टेक्सचर की नॉलेज नहीं मिल पाती। हालांकि आपको स्मूथनेस मिलती है, लेकिन आप टेक्सचर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है आपकी आर्ट जर्नी में। और भी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा हमने स्टार्ट किया है लाइन ड्राइंग से, हम लिप्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको प्रॉपरली लिप्स की शेप देखनी होगी कि लिप्स कैसे बन रहे हैं। जहाँ से भी आप अगर कोई रेफरेंस लेंगे या आप लाइट ड्राइंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी लाइंस को देखें कि लाइंस कैसी हैं। उसके बाद आप मार्जिन गाइडलाइन बना सकते हैं कि आपका लिप्स राइट एंड लेफ्ट वाला कहाँ से डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने बनाया है। उसके बाद मैं अपर लिप्स बना रहा हूँ। बहुत ही केयरफुली आप ड्रॉ करें कि कैसे उसकी शेप है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है, एंड लिप्स कैसे है। उसके बाद मैं लोअर लिप बना रहा हूँ। लोअर लिप कभी एंड टू हैंड जॉइन नहीं होता। और हालांकि अगर आप देखें तो हमारे नेचर में किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन नहीं है, वो सारा शेड लाइट से डिवाइड हो रखे हैं चीज़ें। सो आप ये भी अपने ड्राइंग में ट्राई करें कि आपकी ड्राइंग में कोई भी लाइन शो ना हो। इससे आपकी ड्राइंग काफ़ी रॉ एंड नेचुरल लगती है। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे लिप्स ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपको फर्स्ट फ्लो में अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने रेफरेंस शटरस्टॉक से एक लिप्स थे, उसका मैंने यूज किया है। बहुत ही केयरफुली स्टडी करी गई है इस लिप्स की, जैसा आप देखेंगे इसमें। और कभी भी ड्राइंग आप किसी प्रेशर में होके ना करें, एकदम स्मूथली अपने हैंड्स पे कोई भी प्रेशर ना रखें। उसके बाद मैंने अपनी गाइडलाइंस को इरेज कर दिया है। आप चाहे तो इसे इरेज करें या ना करें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये शेडिंग से ब्लेंड हो जाती है। उसके बाद मैं शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शेडिंग मैंने बी पेंसिल से स्टार्ट करी है। बहुत ही लाइट प्रेशर से मैंने ये पेंसिल ड्रॉ करी है। मैं धीरे धीरे ये लाइट शेड कर रहा हूँ।
बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये ड्रॉ करना है। शेड करना है आई गेस। जैसे जैसे आपके लिप्स का टेक्सचर है आप उसे देखिए कि कहाँ पे डार्क कहाँ पे लाइट हो रहा है। और जैसे कि आप सेंटर लिप्स देखेंगे तो वो एरिया थोड़ा डार्क होता है। उसके बाद मैंने लाइट एंड शेड के अकॉर्डिंग इसमें शेड किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद मैं बी पेंसिल से ही इसे थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ। आप देखेंगे कैसे हमारी लाइंस ब्लेंड हो रही है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि नेचर में कोई भी लाइन नहीं होती, वो सारी टेक्सचर या शेड से कवर रहती हैं। उसके बाद आप केयरफुली देखें कि आपकी लाइंस कैसी है। फिर यहां पे मैं लिप्स को शेप दे रहा हूं, क्योंकि हमारे कोई लिप्स स्ट्रेट नहीं होते। उसके बाद मैं एंड लिप में थोड़ी शेडिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखेंगे। और अब तक मैंने सिर्फ बी पेंसिल का यूज किया है। सो ये हमारा अपर लिप रेडी है, बेस शेड रेडी है। देन लिप्स में मैं और शेड कर रहा हूँ। एंड ड्राइंग में, किसी भी ड्राइंग में सारा जो प्ले होता है वो लाइट का होता है, कि कहाँ से आपकी लाइट आ रही है, कौन सा एरिया डार्क होगा, कौन सा एरिया डार्क नहीं होगा, ये सारा आपकी फोटो रेफरेंस या आप लाइव ड्राइंग कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लिप्स में एक शेप बनती आ रही है। नाउ मैं HB पेंसिल का यूज़ करूँगा अपर लिप में थोड़ी और शैलो पार्ट दिखाने के लिए। और बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसमें शेड करनी है।
और बिना ब्लेंडिंग टूल के भी आपको स्मूथनेस अचीव हो सकती है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। देन मैं थोड़ा स्किन में शेड दे रहा हूँ। स्किन बहुत लाइट है तो हम बहुत ही लाइट प्रेशर से उसमें शेड करेंगे। अगर आपको अब तक कोई भी डाउट आया है वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। देन आप देखेंगे कैसे मैंने बहुत लाइट शेड से स्किन ड्रॉ करी है। देन मैं लोअर लिप्स पे स्टार्ट कर रहा हूँ शेडिंग। बहुत ही केयरफुली आपको शेड करना है। नाउ हमारे लिप्स के नीचे का एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो बेसिकली डार्क होता है। इसको भी आप केयरफुली शेड करें और ट्राई करें कि आपके से ये ब्लेंड होता चले। और ये सारा होता है हमारे अपर लोअर लिप्स के बाहर के तरफ निकलने से, उससे ये हमारे नीचे एक शेडो क्रिएट हो जाती है लिप्स की। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सारा लाइट का प्ले है इसमें। देन हम बहुत ही स्मूथली शेड कर रहे हैं। ऐसे ही केयरफुली आप शेड करते रहें और धीरे धीरे आप देखें कि कैसे मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं थोड़ी डिटेल स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टेक्सचर दे रहा हूँ लिप्स में। जो हमारे अपर लिप और लोअर लिप में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो आप देखिए कि मैं कैसे डिटेल ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये भी हम एक टेक्सचर से बना रहे हैं, लाइंस से, कि हमारे लिप्स में कैसी लाइंस होती है। और अब तक मैंने किसी भी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। जितना भी कंट्रोल किया है वो मैंने पेंसिल से कंट्रोल किया है। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसे सिर्फ पेंसिल से करें, क्योंकि आप अकेडमिक्स में देखेंगे, अकेडमिक ड्राइंग देखेंगे, तो उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो सिर्फ पेंसिल से ही कंट्रोल करते हैं। ऐसी बहुत सारी पेंसिल्स आती है, जैसे एच पेंसिल हो गई, 2H हो गई, F हो गई, वो आपके 3B, 2B, 4B पेंसिल के जो ग्रेन होते हैं उसे स्मूथ कर देता है। तो आप किसी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको एक स्मूथनेस तो देगा, लेकिन वो आपको एक फंसा देगा आपकी ड्राइंग को, आपके स्किल्स को। और पर्सनली मेरे को टेक्सचर वर्क पसंद है, सो मैं ब्लेंडिंग टूल्स को इस्तेमाल नहीं करता। जितना हो सके आप उसे कंट्रोल करें, पेंसिल से कंट्रोल करें। देन आप
अकॉर्डिंग टू आपके जो भी आपका रेफरेंस है, फोटो रेफरेंस है, या फिर आप इसी को रेफर करेंगे, तो आप देखेंगे कैसे मैं इसमें डिटेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसमें डिटेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। साइड बाय साइड में इसमें शेडिंग भी करता जा रहा हूँ। अगर आपको अब तक कोई भी इसमें डाउट लगा हो तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सो एक बेसिक लुक एंड फील हमारे लिप्स की आनी शुरू हो गई है। देन हम धीरे धीरे इसमें डिटेल्स कर रहे हैं। देन आप अपनी शेडो को भी स्मूथ कर सकते हैं एज पर योर नीड। नाउ हम लोअर लिप्स में शेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसमें शेडिंग करेंगे और आपको अपने हैंड के प्रेशर का इसको आपको कंट्रोल करना है। बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे आप शेड करें। बहुत हल्के हाथ से शेडिंग करें और इसे कंटिन्यू करें। जहां डार्कर है उसे डार्क करें, जहां लाइट है उसे लाइट करें। और इसमें मैंने एफ पेंसिल का यूज किया है। एफ बहुत लाइट शेड में होती है। देन मैं लोअर लिप्स में डिटेल स्टार्ट कर रहा हूँ। कि लिप्स में कहाँ पे डिटेल है, कहाँ पे हाईलाइट है। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके अगर कोई फीडबैक है, सजेशन है, तो उसे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। देन हम धीरे धीरे डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आप देखेंगे इसमें मैंने टॉम्बो मोनो पेंसिल का यूज़ किया है। टेक्सचर वाइज पेंसिल काफ़ी सही है और बहुत ही बजट पेंसिल है। आपको 650 या 690 रुपीज़ में आपको 12 पेंसिल मिलती है। देन आप धीरे धीरे डिटेल्स करें और बहुत ही पेशेंसली करें। जैसा आप देखेंगे कि अब तक इस वीडियो में कुछ 18 मिनट्स हुए हैं और मैंने भी ये रियल टाइम वीडियो है, तो 18 मिनट्स में आप इतनी अचीव कर सकते हैं ड्राइंग में। और ना मैंने किसी ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो पर्सनली उसका कोई यूज़ लगता नहीं है। और ऊपर से वो एक पेपर वेस्टेज और है। देन धीरे धीरे आप अपने लोअर लिप्स पे जो नीचे शेडो आ रही है आप उसमें डिटेल दें। और ये बात हमेशा याद रखें कि लोअर लिप हमेशा लाइटर होता है क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है। धीरे धीरे आप अपनी शेडो को
सही कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर है। नाउ हम अपनी डिटेल्स को और करेंगे इम्प्रूव। इम्प्रूव एज इन कि लाइंस कैसी जा रही है, लाइंस कैसी होगी। और हाँ, कि आप एक और चीज़ है कि आप शेडिंग अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें इरेज़र कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इरेज़र का जब भी पेपर से फ्रिक्शन होती है तो वो पेपर को थोड़ा टियर कर देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम इस्तेमाल करें इरेज़र का। एंड देन आप अपनी डिटेल्स कंटिन्यू करें। देन आप डिटेल्स देख रहे होंगे कि मैं कैसे इसमें डिटेल्स कर रहा हूँ। नाउ मैं कैमलिन पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ी और डिटेल शेडिंग के लिए। ये 0.9 mm की है और ये शायद HB या 2B की ग्रेड में आती है। सो आप देखिए कि मैं कैसे शेडो को और डार्क कर रहा हूँ। अगर आपके अब तक और कोई डाउट्स है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और बहुत ही हल्के हाथ से इसमें शेडिंग करते रहे कंटिन्यू कि कहाँ कहाँ मैं शेड कर रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसी और भी आर्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने ह्यूमन आई भी ड्रॉ करी है, लेकिन वो मैंने प्रोक्रिएट में करी है। वो एक iOS का सॉफ्टवेयर है। सो बेसिकली आप उसमें डिजिटल ड्राइंग कर सकते हैं। मैं एक ह्यूमन आई ड्राइंग भी बनाऊंगा, वो पेंसिल में होगी, वो अपकमिंग आएगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मेरी जो ड्राइंग होगी वो होगी कि हम आईब्रोज कैसे ड्रॉ करें। उसके बाद मैं बनाऊंगा कि हम आई कैसे ड्रॉ करें, एंड देन हम ईयर्स में फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद मैं एक कंप्लीट फुल फ्लेज पोर्ट्रेट बनाऊंगा पेंसिल में। एंड देन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन एनाटॉमी पे वीडियोस बनाना। और मेरे चैनल पे रेगुलरली 3 या 4 डेज के बाद एक वीडियो डलती है। एंड मैं पोर्ट्रेट भी कमीशन करता हूँ, तो अगर आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड या अपने पेरेंट्स का पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल्स को मेरे मेल पे आप उसे भेज सकते हैं। एंड नाउ आप देखेंगे कि हमारे लिप्स में कितनी डिटेल्स आती जा रही है। एक स्ट्रक्चर इसका रेडी हो गया है। नाउ हम इसमें 2B का इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ा और डार्कर शेड के लिए। और हम धीरे धीरे इसमें स्किन भी ड्रॉ करेंगे, तो चलिए देखते हैं।
एंड दोस्तों मैंने इसमें रिसेंटली टॉम बॉय मोनो पेंसिल्स का रिव्यू भी करा है, तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा और मैंने उसे कार्ड्स में भी डाला है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। टॉम्बो मोनो पेंसिल मेरे को काफ़ी सही लगी क्योंकि इनमें टेक्सचर बहुत अच्छा है और भी मैं जैसे मैं इस जो मेरा आर्ट वर्क है उसमें मैं 140 GSM पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये थोड़ा ग्रेनी पेपर है तो ये टेक्सचर बहुत अच्छा लाता है आपकी ड्राइंग में। एंड आप देखिए कि मैं कैसे इसमें स्किन ड्रॉ करी है मैंने। एंड और भी जैसे पेपर होते हैं, जैसे 200 GSM का होता है, 220 GSM का होता है, 300 GSM का होता है, वो और ग्रेनी वर्क के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेरे को 140 या 180 या 200 के बीच के पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। और हालांकि ये देखिए जैसे ये एक बहुत ही नॉर्मल ग्रेड का पेपर है। सो जैसे आप और भी जैसे YouTube पे आर्टिस्ट है और मैं किसी को जैसे कमेंट नहीं कर रहा या मैं क्रिटिक नहीं कर रहा कि जैसे आप बहुत ही महंगा पेपर यूज़ करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, आप बहुत ही लो बजट में भी अच्छा काम कर सकते हैं। बस सारे आपके ये पेंसिल के कंट्रोल पे और आपके पेशेंस के ऊपर होता है। जैसा आप देखेंगे कि इस वीडियो में अब तक कुछ 26 मिनट हो चुके हैं और एग्जैक्टली 26 मिनट में मैंने अब तक इतने लिप्स को ड्रॉ किया है। देन हम अपर लिप्स पे एक शैलो एरिया होता है उसे हम शेड कर रहे हैं, वो बहुत लाइट होता है। और आप देखेंगे कि मैंने इसमें हाईलाइट में भी इरेजर का बहुत कम यूज़ किया है, सारा यूज़ मैंने सिर्फ पेंसिल से किया है और इसमें मैं अभी एच पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों आप जैसे एच बी से भी आप 6B का इफ़ेक्ट ला सकते हैं, बस ये है कि आप सारी कंट्रोल अपने हाथ पे रखें कि आपको कितने प्रेशर पे पेंसिल को यूज़ करना है पेपर पे। देन हम डिटेल्स कर रहे हैं इसमें। और नाउ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक से मोर देन स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है। नाउ इसमें सिर्फ डिटेलिंग और डिटेल शेड की पार्ट रह गया है। और आप देखेंगे कि कैसे ये एक 3D लुक में आ रहा है। उसके बाद आप अलग अलग तरीके से स्ट्रोक कर सकते हैं, पर ज़्यादातर जैसे राउंड स्ट्रोक में आपका ये होता है कि आप उसमें आपका स्ट्रोक्स आपको दिखते नहीं हैं और वो बेस्ट होता है शेडिंग के लिए, वरना आप स्ट्रोक्स में भी लिप्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक पेन में भी वीडियो बनाऊँगा, एक डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। बट पर्सनली I love the graphite pencil. The texture and the tones of graphite. Then हम lower lips में भी detail कर रहे हैं। और मैंने एक lower lips में एक highlight छोड़ा है, वो एक इसकी roundness लाता है आपके drawing में। सो आप ध्यान रखिए कि आप उसे पूरा शेड ना करें। नाउ हम अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे उसमें डिटेल्स देने का, हमारी शेड को डार्क करने का। और बहुत ही केयरफुली आराम आराम से आपको इसको ड्रॉ करना है। और ये एक पूरा लिप्स 38 मिनट्स में रेडी हुआ है। सो विद इन 1 आवर हमने ये अचीव किया है, इसमें कोई भी टाइम लैप्स नहीं है। मैं इसकी एक टाइम लैप्स वीडियो ज़रूर डालूंगा, उसे देखिएगा ज़रूर दोस्तों। एंड रिसेंटली मेरी एक
पेंटिंग एग्जिबिट हुई है त्रिवेणी कला संगम में, उसका मैं एक स्निपेट वीडियो डालूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। देन हम इसमें धीरे धीरे डिटेल कर रहे हैं। हम इसमें मैक्सिमम 2B पेंसिल तक का यूज़ किया है, और जितनी भी लिप्स में शेडिंग करी है वो हमने 2B पेंसिल से ही करी है। सो आप देखेंगे कि मैं कौन कौन सा एरिया इसमें डार्क कर रहा हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से आप इसे ड्रॉ करें। देन हम धीरे धीरे इसमें और डिटेल्स करेंगे। सो हम अपनी डिटेल्स कर रहे हैं, और आप देखिए मैं इसमें डिटेल कर रहा हूँ। और आप धीरे धीरे इसमें शेडिंग करते रहे। आ रहा हूं, 5-10 मिनट में आ रहा हूं। और आप धीरे धीरे इसमें शेड करते रहे। सॉरी फॉर द ग्लिच, माई मदर वॉज कॉलिंग मी, सो आई हैव टू से दैट आई एम कमिंग इन 5 and 10 minutes, सॉरी फॉर दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट दें आर्टिस्ट को। देन हम धीरे धीरे डिटेल्स कर रहे हैं। नाउ मोस्टली इसमें सिर्फ डिटेल्स रह गई है, जैसे लाइन ड्रॉ करना लिप्स में, हाईलाइट ड्रॉ करना, थोड़ा एरिया को डार्क करना। सो कंटिन्यू करें, और आप इसे पॉज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन आप धीरे धीरे इसमें डिटेल्स करते रहे, शेड करते रहे बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर लिप्स का रेडी हो गया है, तो इसमें हमें कोई डार्क या ज़्यादा लाइट हमें अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसमें सिर्फ डिटेल शेडिंग रह गई है बहुत ही हल्के हाथ से उसमें, और हम इसमें 2B पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। और गाइज अपने फीडबैक इस वीडियो के बारे में ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रियल टाइम वीडियोस और बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। ऑल्सो I am happy with the result of this lips drawing. Then आप स्किन में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स करते रहे। And हमारी वीडियो अब कंप्लीट होने वाली है, कुछ 4 मिनट्स की ड्राइंग और रह गई है इसमें।
डिटेलिंग्स रह गई है। और हाँ, मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप एकदम ओवर डार्क ना करें चीज़ों को कम्प्लीटली, उसमें थोड़े बहुत ग्रेन्स रहने दें बीच बीच में। देन हम अपनी कैमलिन पेंसिल से डिटेल्स कर रहे हैं, बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसमें डिटेल्स करी है, जैसे आप देखेंगे कि मैं इसमें डिटेल्स कर रहा हूँ। फिर हम उसको बाद में ब्लेंड करेंगे। देन हम इरेजर से थोड़ी हाईलाइट कर रहे हैं। आर लिप्स इज ऑलमोस्ट रेडी। देन हम धीरे धीरे कहीं कहीं एरिया में हम इसमें डिटेल देंगे। A small detail, very small detail. And we are good to go. Small shading details. And हमारे lips अब complete हो गए हैं। So I hope दोस्तों आपको ये video पसंद आई होगी। मेरे channel को subscribe ज़रूर करें और अपने दोस्तों से share भी करें। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप उसे कमेंट में लिखें, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखें।